फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी एक्सपेरिमेंट। तो आज न्यू ईयर है और सभी लोग खुशियाँ मना रहे हो, अच्छी बात है। और मैं शुभकामनाएं करता हूँ कि जो आने वाला आप लोग का ईयर चल है वो बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि पुराना ईयर हम लोग का कोरोना में चला गया और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, तो इतना फेस करने में हम लोग की पढ़ाई भी सही से नहीं चल पाई। तो ये सब बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी पिछले 2 ईयर्स में। तो इस साल मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगा गॉड से कि ये ईयर बहुत ही अच्छा जाए। तो हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है तो कुछ क्रेजी होने वाला है, तो वो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ ना करके हम लोग बाहर चलेंगे करने, उस वक्त क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ बबल्स निकलेंगे और निकलेंगे तो वो सब थोड़ा सा फैल जाएंगे, तो यहाँ भी ना करके हम चलते हैं आउटसाइड। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्रेजी एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो आज के जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो चाहिए वो सामान हमारे पास है। इसके लिए हमें चाहिए एक गिलास, और ये रहा बेकिंग सोडा, और उसके बाद से जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो विनेगर, बस ये चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आज हम इससे करने वाले हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट के लिए अपने क्या करते हैं, विनेगर लेते हैं गिलास में। ये देखिए ये विनेगर है, और उसके बाद से ये रहा मेरा बेकिंग सोडा, आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सा यूज करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट कर रहा है इस विनेगर में। ये आप लोग देख सकते हैं बबल्स कैसे उठ रहे हैं, ये बबल्स कैसे निकल रहे हैं बबल्स इसमें से। थोड़ी देर बाद इसे क्लियर बबल्स आप लोग को दिखाई देंगे। अभी आप इसे क्लियर बबल्स को देख सकते हैं, ये देखिए बबल्स कैसे निकल रहे हैं, पूरे क्लियर बबल्स जा रहे हैं। ये है स्टार्टिंग, अभी आप लोगों को दिखाएंगे पूरा एक्सपेरिमेंट। इससे होता है इतने कम मात्रा में जब इतने बबल्स निकल रहे हैं, अगर हम इसकी मात्रा ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अगर इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग कि क्या रिएक्शन होने जा रहा है। और ये देखिए बबल्स कितने तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और कैसे ये ऊपर की तरफ ओवरफ्लो कर रहा है। ये देखिए कितना ही मतलब गिरने लगा, पूरा ओवरफ्लोइंग हो गया। अगर इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है। और ये देखिए इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, सबसे इसकी जो ओवरफ्लोइंग है अब और तेज़ी से हो गई है। अगर इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। और ये मैं थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ इसमें, ये देखिए फिर से ओवरफ्लोइंग और तेज़ी से स्टार्ट हो रही है, और इसमें अब काफ़ी मात्रा हो गई है, तो इसकी मतलब रिएक्शन अब कम हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं मतलब बबल्स कितनी तेज़ी से बन रहे थे। ऐसा आप लोग इजीली घर पे कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए बबल्स मतलब कैसे निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ये देखिए ये रहे बबल्स। आज का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा, जब मैंने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो वो कैसे ओवरफ्लो होने लगा और उसके बाद से पूरा ओवरफ्लो के गिरने लगा पूरा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है, तो साइंटिफिक रीजन है। देखिए क्या होता है, जो विनेगर होता है उस वो क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये धातु होता है, धात्विक होता है, उसके बाद से ये विनेगर जो है वो एसिड होता है। तो जब हम धातु और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमारा जो होता है वो तो लवण मिलेगा, उसके बाद से जल मिलेगा, उसके बाद से एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इसके वजह से वो बाहर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा था जिसके कारण बबल्स निकल रहे थे। तो जब बेकिंग सोडा, जो कार्बन बेकिंग सोडा था वो ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, वो कार्बन बबल्स ज़्यादा निकलने लगे, इस वजह से वो तेजी से ओवरफ्लो, बबल्स ऊपर की तरफ आने लगे और ओवरफ्लो हो गया, इसकी वजह से वो गिर रहा था। ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट और इसका रीजन। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।